हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट किया है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आर इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट अबाउट थिंग्स, ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल एटसेट्रा, ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड क्या है? इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी थिंग के लिए अपना एक टाइप का बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? एटीट्यूड है। और वो किस किस तरीके से हो रहा है? बाय द इवेल्यूएशन। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से आपने कुछ परसीव किया, अब परसीव करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हो? इवेल्युएट कर रहे हो अपने सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए, ठीक है। तो वो क्या है? तो जो भी आपका इवेल्युएशन है उस ऑब्जेक्ट के लिए, वो आपका क्या है, एक तरीके से आपके बिहेवियर में कन्वर्ट होगा। और जो भी, जैसा भी आपका बिहेवियर है, वो आपका एटीट्यूड है। अब वो बिहेवियर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मीन्स टू से आप फेवर में भी हो सकते हैं, यानी कि फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो वो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे सपोज कोई पर्सनैलिटी, किसी से हमारा इंट्रैक्शन हुआ, तो इंट्रैक्शन करने के बाद जब हमने उससे बातचीत करी तो उसका बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस। भी हमने उससे इंट्रैक्शन किया, उससे कम्युनिकेशन किया, उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि हाँ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा नेचर है। तो इस हमने क्या करा? इवेल्युएशन करा उसके लिए, ठीक है, और उसके लिए एक बिहेवियर अपना, एक इवेल्युएटिव स्टेटमेंट दिया। तो वो हमारा क्या है? एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। तो इसी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। कि भाई आप अपना एक इंडिविजुअल, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी थिंग के लिए आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, तो वो आपका एटीट्यूड है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एटीट्यूड होता है अपने बॉस के लिए। अब चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या, आपका एटीट्यूड क्या है अपने बॉस के लिए, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किस तरीके से आपका परसेप्शन है, ठीक है, कोई परसेप्चुअल एरर तो नहीं है, आप किस तरीके से, या फिर बॉस किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को इफेक्ट करती हैं, जो हम आगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन एक हम सिंपली बात कर रहे हैं, एटीट्यूड क्या है? इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है। एटीट्यूड क्या है? लाइक और डिसलाइक है, ठीक है। अगर हम किसी को लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए, उस इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को बहुत सारे लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग डिसलाइक भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका, अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक लीडर की, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? डिसलाइक कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड है। अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिव लीडर की, तो उसको हम लाइक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज हर नेचर। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज ऑल्सो लाइकिंग और डिसलाइकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, थिंग्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अ पर्सन कैन हैव थाउजेंड ऑफ एटीट्यूड बट ओ बी फोकस अवर अटेंशन ऑन वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स की। दीज जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्युएशन दैट एम्प्लॉयज होल्ड अबाउट अस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क एनवायरमेंट। मोस्ट ऑफ रिसर्च इन ओबी हैज टेकन कंसर्न विद दिस एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। जॉब सेटिस्फेक्शन, अब किस तरीके से आपको लग रहा है कि आप जॉब से सेटिस्फाई हो,
ठीक है, तो वो हम कवर अप करते हैं। द टर्म जॉब सेटिस्फैक्शन रिफर्स टू एन इंडिविजुअल जर्नल एटीट्यूड टुवार्ड हिज जॉब। ठीक है, मेरा जॉब अपनी मेरा जो एटीट्यूड है अपनी जॉब के लिए, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अ पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन होल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड द जॉब, वाइल अ पर्सन हु हैज़ डिसटिस्फाई विद हिज जॉब होल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। अगर ये तो ऑब्वियस है, अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ तो मेरा जो जॉब एटीट्यूड है मेरी जॉब के लिए क्या है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो जो मेरा एटीट्यूड है मेरी जॉब के लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, और जो नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसके पीछे भी बहुत सारे स्टूडेंट रीजन्स होते हैं। वेन पीपल स्पीक ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड मोर ऑफन देन नॉट दे मीन जॉब सेटिस्फेक्शन, इन फैक्ट टू आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली बिकॉज ऑफ द हाई इम्पॉर्टेंस ओ बी रिसर्चर्स हैव गिवन द जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड अपॉन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ योर मैनेजर डील विद यू, ओके, अबाउट द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब बातों के पीछे क्या है, इन लगे ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के अपने अपने परसेप्शन की। ठीक है, कि भाई अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो एक एम्प्लॉई ऐसा है जिसको हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एम्प्लॉई है उसको फाइनेंशियल रिसोर्स वेरी नहीं करते हैं, उसको चैलेंजिंग जॉब वेरी करती है, उसको एप्रिसिएशन वेरी करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या है, चेंज होता है, कि भाई अगर मैं बहुत चैलेंजिंग जॉब के लिए हमेशा रेडी हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे डे टू डे नए नए टास्क मिलें, और साथ के साथ अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे जॉब मेरी जॉब के लिए और मेरे वर्क के लिए मुझे मेरा जो मैनेजर है, जो मेरा बॉस है, मुझे अप्रिशिएट भी करें, ये इस तरीके से मैं मोटिवेट हो सकता हूँ। ठीक है, और इस तरीके का एटीट्यूड हो सकता है मेरा। सेकेंडली, अगर हम बात करें किसी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयज़ की, जिसको वेरी नहीं करता कि जॉब कैसी है और कैसी नहीं है, बस उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी उसका एटीट्यूड है अपनी जॉब के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था, जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम जॉब से सेटिस्फाई हैं तो हमारा एटीट्यूड रहेगा पॉजिटिव टुवार्ड द जॉब और टुवार्ड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं तो हमारा एटीट्यूड उस पर्टिकुलर जॉब के लिए डिसटिस्फाई रहेगा और नेगेटिव एटीट्यूड हमारा रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात करें। नेक्स्ट है जॉब इन्वॉल्वमेंट। द टर्म जॉब इन्वॉल्वमेंट इज मोर रिसेंट एडिशन टू द ओबी लिटरेचर, वाइल देयर इज नॉट कंप्लीट एग्रीमेंट ओवर व्हाट द टर्म मीन्स, अ वर्क डेफिनेशन स्टेट दैट जॉब इन्वॉल्वमेंट मेजर द डिग्री ऑफ विच पर्सन आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल with his or her job, consider and perceive performance level important to self-worth. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें किसकी, job involvement की, how much you are initiated and how much you are involving in a particular task or job, it is depend on you. जैसे कि सपोज हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्कर्स की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है, उसके आइडियाज, उसके सजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कैसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इसकी जॉब इन्वॉल्वमेंट की, कि आप अपनी जॉब में कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो और कितना कितना ज़्यादा मैनेजमेंट आपको वेरी कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपके सजेशंस को इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो स्टूडेंट वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, जॉब इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बात करते हैं, जॉब इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो यहाँ हमने बात करी। उसके बाद जो लास्ट है स्टूडेंट, वो है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। द थर्ड जॉब एटीट्यूड We shall discuss in organizational commitment. It defined as a state in which
एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स एंड विशेस टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट मीन्स आइडेंटिफाई द वन स्पेसिफिक जॉब. While high organizational commitment means identify with the one employing organizations. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं organizational commitment की. जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको हायर किया गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है जिसके रेफरेंस से आप हायर किए गए हो, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. आप जैसे कि सपोज आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद कुछ चीज़ें आपके लिए कमिट की गई कि आप अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आपको ये दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिए जाएंगे, ये फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट हमारे लिए क्या करती हैं, एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं और हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में काम करती हैं, ठीक है. तो वो यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, कमिट कर दिया कि भाई नेक्स्ट ईयर इतना बोनस दिया जाएगा, इतने ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएंगे. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमारे एटीट्यूड को क्या करती हैं, पॉजिटिव फॉर्म में क्रिएट करती हैं और हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं. तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे एटीट्यूड फॉर्मेशन में, ठीक है. तो तीनों हमने पॉइंट कवर अप करे. दिस जॉब रिलेटेड एटीट्यूड टेक पॉजिटिव और नेगेटिव इवेल्यूएशन दैट एम्प्लॉय होल्ड अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क एनवायरमेंट. मोस्ट ऑफ रिसर्च इन ओबी हैज बीन कंसर्न्ड विद द थ्री एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट.